हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेटनरी मेडिसिन रिव्यू में। दोस्तों, आज हम लोग इंटास फार्मास्यूटिकल के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कहां कहां काम करता है, सारी जानकारी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ई बूस्टर। ई बूस्टर को हम ब्याने के बाद या ब्याने के पहले जो होने वाली ऊर्जा की कमी है उसकी पूर्ति के लिए, दूध न उतार रहा हो जानवर उसमें किटोसिस और निगेटिव एनर्जी बैलेंस है, तनाव है, इन सभी में इसको देते हैं। गजब का रिस्पॉन्स है इसका। वीडियो मैंने करा है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इकोटास बोलस है, भूख बढ़ाने, ताकत देने, एंटीबायोटिक के निगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए, शरीर का विकास करने के लिए लाजवाब दवा है। इसका भी वीडियो मैंने किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्लोबैक ऐसे इंजेक्शन है, इंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की सारी बीमारियां खत्म करता है। आरटीआई, यूटीआई, मास्टाइटिस, फीवर, सभी में इसका काम है। मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं इन्फेक्शन से, सब में काम करेगा। लिवोटास, ये आयुर्वेदिक लीवर टॉनिक है, ये लीवर को मजबूत करता है, पाचन बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, ताकत देता है, वजन बढ़ाता है। इस पर भी मैंने वीडियो किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैमेडियम पाउडर है, ये थनेला में दिया जाता है, ये मास्टाइटिस पैदा करने वाले जो पैथोजन होते हैं उसको कम कर देता है और थनेला को रिपीट होने से बचाता है। फिर है फैटोमैक्स पाउडर, दूध बढ़ाने, दूध में फैट बढ़ाने, SNF बढ़ाने, बच्चे का विकास करने, शरीर को तंदुरुस्त करने, माइक्रोफ्लोरा को भी ये मेंटेन करता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है फैटोमैक्स। ये आपका कैलराइज जेल, मिल्क फीवर, ब्याने के बाद कैल्शियम की कमी, दूध अचानक कम हो जा रहा हो, तुरंत जो कैल्शियम की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए गजब की दवा है। प्रोसी शीरप है, यूट्राइन टॉनिक है, इसको जेर गिराने, बच्चेदानी को साफ करने के लिए, जिससे उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, सब में काम करेगा। इंटालाइट ओरल है, तनाव की स्थिति, हाँफने, कम चारा खाने, सुस्त जानवरों में इंस्टेंट एनर्जी ये बूस्ट कर देता है। काफ प्लान है, काफ फाइफर का संपूर्ण विकास करता है, उनका वजन बढ़ाता है, प्रजनन अंगों का सही विकास जल्दी करता है, जिससे वो जल्दी गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती हैं। क्रोम ईस्ट पाउडर है, रूमेन को स्वस्थ रखता है, फीड में फाइबर के साथ साथ जो ड्राई मैटर है उसको पचाने में भी हेल्प करता है, मिल्क में जो फैट होता है उसको बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, उत्पादकता को उच्च रखता है। बफजोन है, रूमिनल एसिडोसिस, गैस, अफरा, अपच, पाचन क्षमता में कड़ी कमी है, उसके लिए गजब काम करेगा। फेंटास बोलस है, 1.5 ग्राम 3 ग्राम का फेनवेंडाजोल आपका आता है, गाभिन जानवरों के लिए और सभी जानवरों के लिए पेट के कीड़े साफ करने की दवा है, गजब काम करता है। 3D रेड है, 3D रेड सीरप है, सभी जानवरों में, छोटे बड़े सभी में एनीमिया यानी खून की कमी, किसी प्रकार से खून की कमी हो उसमें आप दे सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट ये देता है। मैक्सटॉल इंजेक्शन है, दर्द सूजन की रामबाण दवा है। मैक्सटॉल बोलस है, दर्द सूजन सभी प्रकार के दर्द सूजन में ये काम करेगा। इसका भी वीडियो मैंने किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। हाइपोरिड पाउडर है, ब्याते समय आने वाली जो समस्याएं हैं, बच्चा जैसे पैदा होते समय बच्चा फंस जाए, जेर न गिर रहा हो, दूध ना उतार रहा हो, मिल्क फीवर हो, ओडर डेवलपमेंट, सभी में काम करता है हाइपोरिड। आपका मेटाबोलाइट जो है वही होता है हाइपोरिड। इंटाविटानेच है, थन, गादी, लेविटी बढ़ाने, रोगों से बचाने, भूख बढ़ाने, स्ट्रेस कम करने, ऊर्जा की कमी है उन सभी में, जैसे भूख नहीं लग रहा है उन सभी में काम करेगा इंटाविटानेच। इसका भी वीडियो मैंने किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मीनोटास एक्सेल बोलस है, गर्मी में लाने, साइलेंट हीट, रिपीट ब्रीडिंग आदि जो भी समस्याएं हैं रिप्रोडक्टिव, उन सभी में काम करेगा। मीनोटास बोलस है प्लेन, ये भी है गर्मी में लाने, साइलेंट हीट, रिपीट ब्रीडिंग, सभी में काम करेगा, ये थोड़ा उससे कम है। इंटाकाल IM इंजेक्शन है, पेट में पल रहे बच्चे का विकास करता है, कैल्शियम कमी को पूरा करता है, गजब का इंजेक्शन है। फिर है मैक्सटॉल XP इंजेक्शन, ये भी दर्द सूजन की दवा है, लेकिन ये डबल पावर में है मैक्सटॉल जो है। काल शक्ति स्मार्ट पाउडर है, दूध बढ़ाने, दूध उतारने, गर्मी मिलाने, वजन बढ़ाने, रोगों से बचाने में लिए जो भी मिनरल मिक्सचर काम करते हैं वो ये गजब का काम करता है। मिन्फा गोल्ड पाउडर है, ये भी बछड़े बच्चिया को जल्दी तैयार करता है, दूध बढ़ाता है, दूध उतारता है, गर्मी मिलाने में, वजन बढ़ाने में, रोगों से बचाने में, सब में काम करेगा। मिन्फा स्ट्रांग पाउडर है, ये भी वही है, दूध उतारने, दूध बढ़ाने, गर्मी मिलाने, वजन बढ़ाने, रोगों से बचाने में काम करता है। और फिर मिन्फा प्लेन पाउडर है, ये भी आपका गर्मी मिलाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए, इन सभी में काम करता है, सब के सब मिनरल मिक्सचर हैं। काल शक्ति कैल्शियम है, प्लेन वाला, दूध बढ़ाने के लिए इसको देता है, ताकत देने के लिए शरीर में। काल शक्ति प्लैटिना, इसके बारे में मैंने वीडियो किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है, वहाँ से देख सकते हैं, सारी जानकारी इसमें दी गई है। और ये भी वही है, दूध उतारने, दूध बढ़ाने के लिए काम करता है। काल शक्ति DS, ये भी वही है, दूध बढ़ाने, दूध उतारने, ताकत देने, सभी में काम करेगा। फिर है फ्लूमिटास लिक्विड, रीढ़ पर डालने वाला लिक्विड है, जू चीचड़ किलनी आदि को खत्म करता है। फिर है टिनिक स्वेट, ये जू चीचड़ किलनी को खत्म करने वाली है, ऊपर से नहलाने वाली दवा है, डेल्टा मेथ्रिन इसमें पड़ा हुआ होता है। रोबिटास है, जेर गिराने के लिए इंट्रायूट्राइन डाला जाने वाला बोलस है, इसको यूट्राइन में डाला जाता है, जेर जब नहीं गिरा रहा होता है जानवर आपका। कॉन्सीमैक्स है, प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए, कंसीव नहीं कर रहा हो आपका जानवर, जैसे बार बार वो रिपीट कर रहा हो तो उसमें काम करेगा कॉन्सीमैक्स।
नियोजाइड प्लस सिरप है, कृमिनाशक, पेट के अंदर के सारे कृमि को साफ करता है। नियोजाइड बोलस है, पेट के अंदर के सभी प्रकार के कृमि को खत्म कर देगा। फेंटास प्लस सिरप है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक है, पेट के अंदर जितने भी कीड़े हैं सबको साफ करेगा। बछड़े बछेले के लिए अलग आता है और सबके लिए अलग आता है। जेनवेट बोलस है, ये भी पेट के अंदर के सभी कृमि को खत्म करता है। जेनवेट सिरप है, ये भी पेट के अंदर के सभी कृमि को खत्म करता है, बहुत बढ़िया काम करेगा ये। ऑल गार्ड है सिरप, ये भी पेट के कृमि को खत्म करता है। एल्जोनिक सिरप है, ये भी बहुत ही बढ़िया डिवर्मर है, परजीवी नाशक है, बेस्ट डिवर्मर हम इसको बोल सकते हैं। फिर है नियोमैक इंजेक्शन, ये आइवरमेक्टिन है, इसमें साल्ट और इसका सिरप भी आता है। तो जो चर्म रोग हैं किसी भी शरीर के ऊपर, कोई भी जैसे जूची चिड़गिलने लगा है उसको ख़त्म कर देगा, चर्म रोग कोई हो गया है उसमें काम करेगा। इसी के साथ आपका आता है नियोमैक एल ए, ये लॉन्ग एक्टिंग करके है, आइवरमेक्टिन इसमें ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो ये शरीर के ऊपर जितने भी बाह्य परजीवी हैं उनको खत्म करेगा, चमड़ा चर्म रोग है कोई उसको खत्म कर देगा, बढ़िया का उसमें भी देता है। फिर है एनिस्टामिन इंजेक्शन, एनिस्टामिन सीपीएम है, एलर्जी और डर्माटाइटिस और ईचिंग खुजली कहीं भी है उस समय काम कर सकता है, काम बढ़िया देता है ये। सीफ्लॉक्स टीजेड पावर है, सीफ्लॉक्स इंजेक्शन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन, एचएस, निमोनिया, मास्टाइटिस और सभी प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज में ये काम करेगा। सीफ्लॉक्स टीजेड बोलस है, बोलस है आपका पेट की गड़बड़, डिसेंट्री, दस्त, पेचिस, इन सभी में काम करेगा। सीफ्लॉक्स टीजेड डीमैग स्प्रे है, घाव, घाव में कीड़े, चर्म रोग, इन्फेक्शन सभी में काम करेगा। डीमैग स्प्रे के बाद में आपका आता है फेरिटास बोलस, जू चीटर किलनी के बाद में जो खून की कमी हो जाती है, फिर किसी भी प्रकार से अगर खून की कमी है, कचड़े बछड़े का अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है उसमें आप देंगे, बढ़िया रिजल्ट देता है। फेरिटास इंजेक्शन है, खून की कमी को पूरा करता है और इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं इसको। गाइनरिच इंजेक्शन है, रिपीट ब्रीडिंग, बार बार सीमन करवाने के बाद वो कंसीव नहीं कर रहा है, हीट में नहीं आ रहा है जानवर, प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए आप इसे गाइनरिच को लगा सकते हैं। एंटामॉक्स इंजेक्शन आता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, घाव, मेस्टाइटिस, एचएस, निमोनिया और सभी इन्फेक्शियस डिजीज में ये कारगर है। एंटामॉक्स वो टैबलेट आता है, ये भी एंटीबायोटिक बोलस है, ठीक है, ये भी आपका घाव, मेस्टाइटिस, एचएस, निमोनिया और सभी जो इन्फेक्शियस डिजीज है उन सब में काम करता है। इंटासेफ इंजेक्शन है, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम में आता है, एंटीबायोटिक है, मेस्टाइटिस, एचएस, निमोनिया, एफएमडी और सभी बीमारियाँ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती हैं सभी में ये काम करता है। इंटासेफ्ट जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब इन सभी से डबल काम कर देगा ये। एंटीबायोटिक है, ये भी आपका मेस्टाइटिस आदि में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, सभी इन्फेक्शियस डिजीज में आप इसे लगा सकते हैं, आरटीआई, यूटीआई सभी में। इंटालाइट ड्रिप आता है, हीट, स्ट्रेस, हाँफने लगे जानवर, दस्त के बाद में जो ऊर्जा की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने के लिए आप इस इंटालाइट आईवी को अपने जानवर को चढ़ा सकते हैं। और फिर है इंटाविटा, यह इंजेक्शन आता है, विटामिन की कमी है, भूख बढ़ाने, बीमार होने से बचाने के लिए, गर्मी में लाने के लिए, शरीर का पूर्ण विकास करने के लिए कारगर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। लीनोवो आईयू रिपीट ब्रीडिंग, गर्भाशय में मवाद, सूजन, इन्फेक्शन सभी को खत्म करता है, अंदर यूट्राइन में डालना होता है। और फिर मैमिटेल है, इंट्रामेमिलरी, ये सस्पेंशन है, इसको डालना होता है, उसके कान में इसे डालना होता है, सब क्लिनिकर और क्लिनिकर मेस्टाइटिस में ही काम करेगा। मिलोनेक्स इंजेक्शन है, दर्द, बुखार, सूजन की दवा है, मिलोनेक्स प्लस बोलस है, मिलोनेक्स बोलस है, मिलोनेक्स जेड प्लस बोलस, ये दर्द, सूजन, बुखार में मतलब डबल है पावर, बढ़िया काम करता है। मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन है, दर्द, बुखार, सूजन की दवा है, मिलोनेक्स प्लस बोलस है, ये भी दर्द, सूजन, बुखार की दवा है। मिलोनेक्स पावर है, ये बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा बुखार है और इन सभी में काम करेगा क्योंकि इसमें मेलोक्सिकेम और लिग्रोकेन मिला हुआ होता है, तो मिलोनेक्स पावर है ये। फिर है नीलबेरी इंजेक्शन, ये आपका बेबीसियोसिस, फिर सर्रा और जितने भी मिक्स्ड इन्फेक्शन की बीमारियां हैं नीलबेरी उसमें काम करता है, बढ़िया ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है इसका। नोविजेक इंजेक्शन है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स जितनी होती हैं उनमें माल न्यूट्रिशन मैनी न्यूट्रिशन की कमी है, कुपोषण है उसको, तो मेटाबॉलिक जितने भी डिसऑर्डर हैं उनमें आप दे सकते हैं इसे नोविजेक इंजेक्शन को। नाइजोम इंजेक्शन है, फिर आपका है नाइजोम इंजेक्शन, ये ट्राइपैनोसोमियोसिस यानी जो जितने भी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है उसको खत्म करने की बहुत ही शानदार दवा है। प्रेग्मा इंजेक्शन है, गर्मी में लाने, बच्चेदानी का मुंह खोलने और सभी प्रकार के जितने भी दिक्कत है इस रिप्रोडक्टिव उनमें काम करता है, इस पे मैंने वीडियो किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साइकोमेट इंजेक्शन है, किटोसिस, निगेटिव एनर्जी बैलेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, बार बार बीमार होने वाले जानवरों में इसको देना होता है। ट्राइबीवेट इंजेक्शन एंटीबायोटिक के साथ में एनोरेक्सिया, भूख बढ़ाने, लीवर की प्रॉब्लम सभी में आप ट्राइबीवेट इंजेक्शन को दे सकते हैं। ज़ाइरोफेर, आरटीआई, यूटीआई, मास्टाइटिस सभी प्रकार के इन्फेक्शन में इसको आप दे सकते हैं एंटीबायोटिक, ये है। जॉक्टिम इंजेक्शन है, मास्टाइटिस में ये काम करेगा। फिर है जूबियन क्लिनिकर और सब क्लिनिकर्स, जो थाइलोरियोसिस होता है उसमें इसको लगाना होता है। एसीबेट फोर्ट है, सभी इन्फेक्शियस डिजीज में एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, एसीबेट फोर्ट मैक्स, ये भी मेस्टाइटिस, एचएसएफएमडी सभी में काम करेगा, ये भी एंटीबायोटिक
इंजेक्शन है। ब्लॉटारिड है, अफरा गैस बदहजम में काम करेगा। इंड्रोटास पीएच आरटीआई यूटीआई स्किन इन्फेक्शन सभी प्रकार के जो श्वास प्रॉब्लम है उसमें काम करेगा। सिरप आता है। एक्जोहील है, घाव एफएमडी फूट रूट एक्जिमा रिंग वॉर्म सभी प्रकार के इन्फेक्शन जो होते हैं चर्म रोग उनमें काम करेगा। ग्रोपोमो बकरी भेड़ के विकास के लिए इसको देना होता है। क्लेनगार्ड है, मैस्टाइटिस से बचाव के लिए इसे आप धुलते हैं जो थन होता है उसको। लॉर्निटास है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें काम करता है, बढ़िया रिजल्ट देता है। मिल्क आउट दूध उतारने के लिए जो दवा दी जाती है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। फिर है आपका पावाडीन बोलस, दस्त पेचिस फूट रूट एफएमडी और सभी प्रकार की इन्फेक्शन डिजीज में काम करेगा, बढ़िया रिजल्ट इसका दस्त और पेचिस में मिलता है। फिर है क्विंटास, एचएस निमोनिया मास्टाइटिस सभी प्रकार के एंटीबायोटिक है ये, इसमें काम करेगा। क्विंटास इंजेक्शन है, ये भी ये इंजेक्शन लिक्विड ये जो आता है सबका वही काम है, एंटीबायोटिक है श्वास रोगों में और सभी प्रकार के इन्फेक्शस डिजीज जितने में सभी में काम करेगा, गजब रिस्पॉन्स है। र्यूमिटास बोलस है, ये रूमिटॉनिक है, एनोरेक्सिया सिंपल एंड इंडाइजेशन में शानदार रिजल्ट ही दे देता है। वॉक्सेटो एंटमेंट है, रिंग वॉर्म एक्जिमा डर्माटाइटिस घाव एफएमडी मैगोट जितने भी कीड़े उड़े हैं सब साफ हो जाएंगे घाव में, मतलब इसका रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग है, आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं। और यही था इसका जो पीडीएफ है वो मैंने जो आपका बनाया है टेलीग्राम उस पे है, आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से लिंक से आप जाके कर लीजिए या फिर वहाँ पे जाके आप वेटनरी मेडिसिन रिव्यू हिंदी करके टाइप कर देंगे तो ये जो ऊपर चैनल आ जाएगा यही चैनल है, आप देख लीजिए 200 कुछ करके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस पे मैं आपको बराबर जो ये पीडीएफ्स हैं वो भी देता रहूँगा और जो भी मेरे पास है वैसे फ़ोटो खींच खींच के मैं इस पे डालता रहूँगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जाके इसको सब्सक्राइब कर लें, नीचे बार बार कमेंट करते हैं कि पीडीएफ पीडीएफ, तो पीडीएफ आप जाके वहीं से ले लीजिए, ठीक है, वहीं पे मैं डाल दूँगा। और इस पीडीएफ में मैंने आपको जो इसके जितने भी ब्रांच हैं है ना, एक्वा की है और नियोवेट है और बोविक्योरा है और जो पेट्स की है जो मुर्गियों वाली है सबका एक साथ में पूरी लिस्ट दे दी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं।